हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं स्पीड कंट्रोल की स्लिप रिकवरी मेथड बता रही हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज इंजेक्शन मेथड ये समझा रही हूँ। पहले मैंने कुछ आपको उसके टोपोलॉजीज बताई, स्कीम्स बताई, वो सारे डिस्कशंस के बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये सब जो है निचोड़ वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज इंजेक्शन मेथड का है। पर एक्चुअली अगर हम इंडक्शन मोटर जिसका स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं उसके साथ अगर मैं एक ऑक्सिलरी मशीन लगा देती हूँ, तो इंडक्शन मोटर ऑक्सिलरी मशीन को पावर फीड करती है एसपीजी, और उसकी वजह से ऑक्सिलरी मशीन अपना मैकेनिकल पावर डेवलप करके फर्स्ट वाली इंडक्शन मोटर को सपोर्ट करती है ज़्यादा मैकेनिकल पावर डेवलप करवाने में और लोड को घुमाने में। दूसरा तरीका था कि आप फ्रीक्वेंसी चेंजर को यूज़ करके स्लिप पावर को वापस से आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की पावर में कन्वर्ट करके वापस से रीफीड कर दे सप्लाई को, ताकि रीसाइकलिंग हो जाए, लॉस ऑफ पावर जो हो रहा था एसपीजी वो वापस से यूटिलाइज हो जाए, ऐसा हम कर रहे थे। तो उसके लिए हमने स्टैटिक ड्राइव सिस्टम यूज़ किया था, क्रैमर्स और शर्बियस, और ऑक्सिलरी मोटर में मैंने कास्केडेड ऑफ इंडक्शन मोटर बताया था, और एक डीसी मोटर को भी कनेक्ट करके बताया था थ्रू रोटरी कन्वर्टर। वो शर्बियस ड्राइव सिस्टम था और क्रैमर्स ड्राइव सिस्टम था, और जहाँ पर थायरिस्टर्स और डायोड्स यूज़ होते हैं वो स्टैटिक सिस्टम हो जाता ड्राइव सिस्टम। तो एक उसमें से डायोड को यूज़ करके क्रैमर्स सिस्टम था, और एससीआरस का ब्रिज कन्वर्टर यूज़ हुआ है तो वो हो गया था हमारा शर्बियस स्टैटिक ड्राइव सिस्टम। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो वो थॉरली आपको पूरा डिफरेंशिएट करके बताएगा। पर अल्टीमेटली चाहे आप ऑक्सिलरी मशीन यूज़ करें या फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर्स यूज़ करें, आप कर क्या रहे हैं, हर हाल में इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में आप एक वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। या तो वो वोल्टेज इंजेक्टर जो होगा वो लोड जैसा काम करेगा, या फिर वो एक एक्स्ट्रा सप्लाई वाला काम करेगा। वही सारी चीज़ें आज मैं समझा रही हूँ कि वोल्टेज इंजेक्शन एक्चुअली फिजिबल कैसे हो रहा है, वो तो मैंने बताया यहाँ पर क्रैमर्स ड्राइव और शर्बियस ड्राइव्स के थ्रू। पर एक्चुअली ये इंजेक्शन की वजह से इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में क्या हो रहा है और किस तरीके से स्लिप पावर रिकवरी यहाँ पर हो रही, वो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ, अल्टीमेट वोल्टेज इंजेक्शन मेथड में आपको समझाने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रोटर सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बता देती हूँ, जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करते वक्त थ्री फेज इंडक्शन मोटर का समझा था। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है रोटर का थ्री फेज इंडक्शन मोटर के, जो कि स्लिप फ्रिक्वेंसी पर है। जितनी फ्रिक्वेंसी की का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है रोटर बार्स में, और जितनी फ्रिक्वेंसी का करंट फ्लो हो रहा है उस फ्रिक्वेंसी पर हमने इस सर्किट को बनाया था, आपको याद होगा। और साथ में मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगी उन वीडियोस की भी लिंक, जिनका रेफर करके मैं ये सब समझा रही हूँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट वाला जो मेरा शेयरिंग था, नॉलेज शेयरिंग, उसमें मैंने बताया था कि रोटर का जो सर्किट होता है वो स्लिप फ्रिक्वेंसी पर ड्रॉ करते हैं पहले, फिर हम उसको 50 हर्ट्ज़ के फ्रिक्वेंसी पर कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एस से अगर मैं पूरे केवीएल इक्वेशन को, मतलब इस केवीएल इक्वेशन को अगर मैं एस से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा ई टू इक्वल टू आर टू अपॉन एस प्लस एक्स टू, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी केवीएल इक्वेशन। तो वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर के इक्वेलेंट वो पूरा सर्किट हो गया। तो फिर उस 50 हर्ट्ज़ के फ्रिक्वेंसी वाले रोटर के इक्वेलेंट सर्किट को मैंने स्टेटर के 50 हर्ट्ज वाले इक्वेलेंट सर्किट से कनेक्ट कर दिया था। दोनों सर्किट का कनेक्शन, इस सर्किट का और 50 हर्ट्ज वाले स्टेटर इक्वेलेंट सर्किट का कनेक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये खुद स्लिप फ्रिक्वेंसी पर है, मतलब बहुत ही छोटी फ्रिक्वेंसी पर। स्लिप फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, एस टाइम्स ऑफ एफ, मतलब जितनी स्लिप पर इंडक्शन मोटर घूम रही है और सप्लाई फ्रिक्वेंसी, तो ये बहुत ही छोटा होता है, 2 हर्ट्ज़, 3 हर्ट्ज़, 4 हर्ट्ज़ मैक्सिमम होता है। तो ये जो स्लिप फ्रिक्वेंसी है इस पर ये रोटर इक्विवेलेंट सर्किट 50 हर्ट्ज़ के स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट से कनेक्ट नहीं हो सकता था, तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता 50 हर्ट्ज़। पर आज का ये वोल्टेज इंजेक्शन मेथड समझाते हुए मुझे बिल्कुल भी 50 हर्ट्ज़ वाला रोटर सर्किट नहीं चाहिए इक्विवेलेंट सर्किट, मुझे चाहिए स्लिप फ्रिक्वेंसी वाला ही रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलिए मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ।
ये जो है s टाइम्स ऑफ ई टू जो है वो ये परफेज का इक्वेलेंट सर्किट है रोटर सर्किट का, और एस ई टू जो है इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है रोटर बार्स के अक्रॉस पर फेज में, किसकी वजह से? जो सप्लाई आ रही है स्टेटर से, उसकी वजह से ये रोटर ने घूमना शुरू कर दी। वो सब समझा चुकी हूँ बेटा, आप थॉरली उन सारी वीडियोस को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। रोटर हमारा घूमने लगा है, कितने स्लिप पर घूम रहा है? एस स्लिप पर। तो रोटर में पर फेज का ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है? एस ई टू। उसकी वजह से आई टू करंट इंड्यूस हो रहा है। रोटर बार्स शॉर्ट सर्किटेड रहता था, पर फेज का सर्किट भी मेरा शॉर्ट सर्किट है। रोटर का जो रेजिस्टेंस है पर फेज का वो आर टू है, और रोटर का जो रिएक्टेंस है पर फेज का वो एस टाइम्स ऑफ एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि स्लिप जो होती है वो रिएक्टेंस के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करती है, ईएमएफ इंड्यूस जो है उसको अफेक्ट करती है नेचुरली। उसकी वजह से करंट जो प्रोड्यूस होता है एस ई टू अपॉन जेड ई टू, उससे आई टू की भी वैल्यू वैरी करती है। अभी तक ये सब मैं पुराना बता रही हूँ बेटा, जो जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, और उन पढ़ाने की उन सारे नॉलेज शेयरिंग की वजह से मैं यहाँ पर कैसे पहुँची उसकी बात कर रही थी। अब ये पर फेज का रोटर का इक्वेलेंट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट रोटर है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरा स्लिप रिंग के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। हाँ, ये जो स्लिप पावर रिकवरी मेथड होती है या वोल्टेज इंजेक्शन मेथड, ये सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर पर ही इंप्लीमेंट होती है। तो यहाँ पर स्लिप रिंग्स पर फेज की अगर है, तो उसके बाहर मैं पर फेज में एक रोटर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाला ऐड कर सकती, तो वो ये वाला है। और साथ में मैंने बेटा पर फेज के इक्वेलेंट सर्किट में स्लिप रिंग जस्ट शो कर दी है। वो इक्वेलेंट सर्किट या रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैं बनाती आई हूँ इंडक्शन मोटर का, उसमें मैंने स्लिप रिंग बाहर बताई है बेटा आप लोगों को। तो अब यहाँ पर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए रोटर का इक्वेलेंट सर्किट बना रही हूँ, बना चुकी हूँ। तो वो ये एस ई टू सप्लाई वोल्टेज हो गया, आर टू रोटर का इनहेरेंट रेजिस्टेंस हो गया पर फेज का, एस एक्स टू रोटर का इनहेरेंट स्लिप की वजह से जो रिएक्टेंस है वो है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो स्लिप रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। ये नहीं घूम रहा है, ये घूम रहे हैं, ये नहीं घूम रहा है, क्योंकि स्लिप रिंग हम कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एक रोटेटरी ऑब्जेक्ट और स्टेशनरी, मतलब एक रोटेटरी सर्किट और एक स्टेशनरी सर्किट को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो हम स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं। तो वही सिर्फ यहाँ पर इंडिकेट कर रही हूँ कि ये स्टेशनरी है और ये रोटेटरी है। अब यहाँ पर अगर मैं केवीएल इक्वेशन देखूँ या वोल्टेजेस देखूँ हर किसी के अक्रॉस, तो सप्लाई वोल्टेज सर्किट को एस ई टू हो चुका है, आर टू के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा तो प्लस ही होगा माइनस होगा, क्योंकि सप्लाई करंट जो रोटर का आई टू करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो प्लस इधर माइनस इधर, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स बेटा। एस एक्स टू में भी प्लस यहाँ होगा माइनस यहाँ होगा। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि मैंने स्लिप रिंग के थ्रू कनेक्ट किया आर टू ई एक्स ऐसा, और ये कॉमा है बेटा, दिस इज कॉमा। तो आर टू ई एक्स ये जो रेजिस्टेंस स्लिप रिंग के थ्रू मैंने कनेक्ट करके रखा है, इसके अक्रॉस भी प्लस ऊपर होगा माइनस, क्योंकि करंट इसमें ऐसे एंटर हो रहा है, मतलब ये सब जो पावर आ रही है उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो जो यूटिलाइजर होगा उसमें प्लस साइन ऐसा होगा। इसके अक्रॉस के वोल्टेज को मैं वी टू ई एक्स बोल रही हूँ। आर टू ई एक्स में से जब आई टू करंट बहेगा पर फेज का, तो कितना ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है? वी टू ई एक्स, और उसकी पोलारिटी नेचुरली प्लस ऊपर माइनस नीचे हुआ। ये जस्ट मेरा बेस है वोल्टेज इंजेक्शन को समझाने का ये सर्किट। अब ये तो ऐसा पार्ट है कि इसकी जगह मैं कुछ और भी लगा सकती, तो क्या मैं इसकी जगह कोई वोल्टेज सोर्स लगा सकती हूँ? यस आई कैन, वो वोल्टेज सोर्स लगा सकती हूँ। क्या उस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी प्लस ऊपर और माइनस नीचे होनी चाहिए? नहीं, जब मेरी मर्जी से वोल्टेज सोर्स लग रहा है तो मैं माइनस ऊपर नीचे प्लस ऐसा भी वोल्टेज सोर्स लगा सकती हूँ। तो वही है कि इंस्टेड ऑफ आर टू एक्सटर्नल अ वोल्टेज कैन बी इंट्रोड्यूस, आर टू एक्सटर्नल की जगह एक वोल्टेज सोर्स इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जिसको मैं ई आई नाम दे रही हूँ, और उसकी वैल्यू मतलब वो कैसा होगा, वो किसके इक्वेलेंट होगा? वी टू ई एक्स के इक्वेलेंट होगा, और वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस मैं इसको कह रही हूँ, माइनस अगर अपोजिट पोलैरिटी का मैंने इंसर्ट किया वोल्टेज इंजेक्ट किया तो वो मेरा माइनस वी टू ई एक्स हो जाएगा। जस्ट रिप्रेजेंटेशन करके आपको समझा रही हूँ मैं, और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी पड़ेगी एफ आर, क्योंकि ये सर्किट पूरा कितने पर है?
स्लिप फ्रिक्वेंसी पर है, ये स्लिप फ्रिक्वेंसी पर है, ये स्लिप, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ये करंट जो फ्लो हो रहा है वो स्लिप फ्रिक्वेंसी का हो रहा है। तो ये जो ईएमएफ इंट्रोड्यूस करेंगे हम बाहर से, चाहे ऐसे प्लस माइनस का या ऐसे प्लस माइनस का, हर हाल में इसकी फ्रिक्वेंसी आपको स्लिप फ्रिक्वेंसी ही रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स यहाँ से दे दूँ, चाहे पोलैरिटी कुछ भी हो, ऐसी हो या इसकी अपोजिट हो, मैं क्या कर रही हूँ, एक सप्लाई यहाँ से आ रहा है और एक सप्लाई इंडक्शन मोटर में यहाँ से आ रहा है। इधर स्टेटर है बेटा, इमेजिन करो यहाँ स्टेटर है, स्टेटर को हम इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट का ही कुछ पार्ट यहाँ पर सप्लाई हो रहा है रोटर में, जिसकी वजह से रोटर में मैकेनिकल पावर डेवलप होती है, ये रोटर घूम रहा है। पर इस सप्लाई के सपोर्ट में एक और वोल्टेज सोर्स यहाँ से दे दे, मतलब हमने इंडक्शन मोटर को क्या बना देते हैं, डबली एक्साइटेड। मतलब जब जब हम वोल्टेज इंजेक्शन की बात करते हैं, मतलब एक वोल्टेज तो है ही जो स्टेटर से पहुंच रहा है और एक वोल्टेज इधर से, मतलब हम दो सप्लाई दे रहे हैं, यानी हम इंडक्शन मोटर को डबली एक्साइटेड कर दे रहे हैं। मतलब वोल्टेज इंजेक्शन मेथड में इंडक्शन मोटर डबली एक्साइटेड रहती है। आप मेरा सिंगली एक्साइटेड डबल एक्साइटेड वाला वीडियो देखिएगा, उसकी भी लिंक कोशिश करूँगी मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा उन वीडियोज़ को। मतलब ये डबली एक्साइटेड कब, जब यहाँ से भी, दोनों ही केस में हो सकता है। यहाँ पे मैं इसलिए ई आई इक्वल टू माइनस वी टू ई एक्स बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें पोलैरिटी प्लस नीचे माइनस, मतलब जिस तरीके से एस ई टू पावर दे रहा है उसी तरीके से प्लस माइनस वी टू ई एक्स भी पावर दे रहा होगा, पर डबली एक्साइटेड तो हर हाल में इन दोनों की वजह से होगा। मतलब ई आई एस ई टू के साथ, ई आई एस ई टू के साथ सपोर्ट में हो सकता है या अगेंस्ट में हो सकता है, मतलब सेम फेज में हो सकता है या अपोजिट फेज में हो सकता है, इसको चलिए समझते हैं। मतलब दो कैटेगरी हो सकती है वोल्टेज इंजेक्शन की, या तो एस ई टू के साथ इन फेज हम इंजेक्शन करें या एस ई टू के साथ अपोजिट फेज में हम इंजेक्शन करें, ऐसी दो कैटेगरीज। तो ये अपोजिट फेज वाला बता रही हूँ और ये सेम फेज वाला बता रही हूँ। बेटा कैसे समझ पा रही हूँ मैं कि ये अपोजिट फेज में है कि सेम फेज में, वो ऐसे बेटा कि जब मैं यहाँ से करंट भेज पा रही हूँ एस ई टू की वजह से, तो इसमें प्लस पोलैरिटी, जहाँ से करंट एंटर हो रहा है वहाँ पे प्लस पोलैरिटी है, जहाँ से करंट एंटर हो रहा है वहाँ प्लस पोलैरिटी, और जहाँ से करंट आई टू एंटर हो रहा है ई आई में वहाँ पर प्लस पोलैरिटी। मतलब ये जो है इसके साथ अपोजिट फेज में। या सिंपल सा अगर मैं केवीएल इक्वेशन लिखने जाऊँ तो केवीएल इक्वेशन मेरी बनेगी एस ई टू इज इक्वल टू आई टू आर टू प्लस जे एस आई टू एक्स टू प्लस ई जे इंजेक्टेड वोल्टेज, ऐसी केवीएल इक्वेशन बनेगी। मतलब इसके अपोजिट फेज में ई जे आ रहा है। तो और अगर मैं सेम फेज की बात करूं, इसको देखूं, तो यहां पर माइनस होगा और यहां पर प्लस होगा। जब इन फेज में हम सपोर्ट में ई आई को लाएंगे तो एस ई टू इज इक्वल टू आई टू आर टू प्लस एस आई टू एक्स टू, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ई जे, या फिर ई जे को प्लस करके मैं इधर ले लूं, तो इसका मतलब ये ई जे एस ई टू के साथ एडिटिव हो गया है, मतलब सेम फेज में है, मतलब ये सपोर्ट में। तो हम वोल्टेज इंजेक्शन दो टाइप से कर सकते हैं, एस ई टू के साथ अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज इंजेक्ट करें या एस ई टू के साथ सेम फेज का वोल्टेज इंजेक्ट करें, ये कर सकते हैं हम। अब क्या हो रहा है बेटा, जब इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसी है जो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस हुआ करती थी या इनके अक्रॉस हो रही है, मतलब अपोजिट फेज में है, तो यहाँ पर इंडक्शन मोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से रोटर की स्पीड या इंडक्शन मोटर की स्पीड कम ही रहेगी, क्योंकि सिंपल ये अपोजिशन में ही है ना, तो वो कहाँ बढ़ा पा रहा है उसकी मैकेनिकल पावर को, या ज़्यादा टॉर्क कहाँ जनरेट कर पाएगा कि एन आर एक्सीड कर जाए एन एस से। कहने का मतलब ये है कि ई आई जब इस टाइप की पोलैरिटी में होगा इंजेक्टेड वोल्टेज, तो हमेशा इंडक्शन। अब मैं ई आई की एक चीज़ हो, मैं ई आई की वैल्यू बदल बदल के अलग अलग स्पीड अचीव करूँगी ना एन आर की, वो अभी मैं बताऊँगी कैसे अचीव करेंगे, पर ई आई को मैं बदल बदल के एन आर की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड अचीव करूँगी, पर ये सारी एन आर की स्पीड जो होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होगी। मतलब सब सिंक्रोनस स्पीड वेरिएशन, स्पीड रेगुलेशन हमें इस टाइप की पोलैरिटी का वोल्टेज इंजेक्ट करके मिल सकता है। ये इस टाइप से बिहेव कर रहा है जैसे कि लोड है इंडक्शन मोटर पर,
लोड कैसा पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है, प्लस माइनस, और इसकी पोलैरिटी भी कैसी है, प्लस माइनस, मतलब ये कैसे काम कर रहा है, एज इफ इट इज अ लोड ओवर द इंडक्शन मोटर। दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि SE2 के साथ अगर सपोर्ट में EI आ जा रहा है तो ये EI यहाँ नीचे प्लस होगा और माइनस होगा, और उसकी KVL इक्वेशन ये वाली हो जाएगी, मतलब देखो दोनों एडिटिव में और फिर दोनों मिलके बाकी की चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को, रिएक्टेंस को, तो यहाँ पर डबल पावर मिल रही है, ज़्यादा पावर मिल रही है, मतलब SE2 है ही, दूसरी पावर और मिल जा रही, तो दोनों मिल के इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड के अबव स्पीड पर घुमा पाएंगे, और जितना EI को मैं बदल पाऊंगी लिमिट्स में, EI को बदलने से मुझे स्पीड्स कैसी मिलेंगी, मोर देन सिंक्रोनस स्पीड मिलेगी, ये एज इफ की सपोर्टिंग इंडक्शन मोटर और पावर फीड हो रही है वहाँ पर। तो इस केस में जब ये लोड जैसा काम कर रहा है और यहाँ पर EI कैसा काम कर रहा है, सप्लायर जैसा, तो ज़्यादा एनर्जी की वजह से सुपर सिंक्रोनस स्पीड मिलेंगी, और यहाँ ये लोड जैसा काम कर रहा है तो यहाँ पे हमें सब सिंक्रोनस स्पीड्स मिलेंगी। बेटा मैं ये कहूँगी ये पार्ट वन ही है, अभी इसके बाद मुझे फेजर डायग्राम वगैरह सब बताना रहेगा, तो ये वोल्टेज इंजेक्शन मेथड का अभी मैं पार्ट वन डिस्कस कर रही हूँ आपसे। अब मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूँ जिस पर बेस्ड मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगी। इस सर्किट को अगर देखूं मैं, ये फिगर वन बोल देती हूं मैं, और ये वाले फ्रॉम फिगर वन, फिगर वन पर अगर मैं KVL देखूं तो वो क्या बन रही है, यही KVL SE2, और ये दोनों Z2 है, ये पूरा Z2 है, Z2 इंटू I2 ऐसे करके SE2 Z2 I2, ये मेरी KVL इक्वेशन बन रही, इसी KVL इक्वेशन को मैंने यहां ले लिया SE2 इक्वल टू I2 Z2। अभी मैंने ना कुछ भी यहाँ पे एक्सटर्नली ऐड नहीं किया है, पर फेस का टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर में वो E2 अपॉन ओमेगा S इंटू I2 कॉस थीटा 2, ये पर फेस का पावर है, ये पावर अपॉन स्पीड, ओमेगा S जो होगी, टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा S, ये हमेशा पावर और टॉर्क का रिलेशन होता है, तो वही रिलेशन मैं पर फेस बेसिस पे यूज कर रही हूँ। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, अगर मुझे टॉर्क, लोड टॉर्क कांस्टेंट है मेरा, टॉर्क बदल नहीं रहा है, पूरे टाइम मैं लोड को कांस्टेंट रखे हुए हूँ माना कि, तो डेवलप्ड टॉर्क को कितना होना पड़ेगा, लोड टॉर्क के बराबर ही होना पड़ेगा, और अगर ये डेवलप्ड टॉर्क है तो इसको लोड टॉर्क के बराबर जब ये होगा तब हमें ये ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा। जब यहाँ पर लोड टॉर्क और डेवलप टॉर्क मतलब ये वाला है और लोड टॉर्क है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वहाँ पर मोटर स्टेबली ऑपरेट होती है। सारी चीज़ें पहले समझा चुकी हूँ मैं, यहाँ पर ना तो मोटर में अभी एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, मोटर की स्पीड ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्टेबली ऑपरेट होती रहेगी, कब तक, जब तक कि आप कोई बदलाव नहीं लाते। अगर मैं लोड बदल दूँ तो ऑपरेटिंग पॉइंट बदल जाएगा, वो भी मैं अभी बात कर रही हूँ। अभी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मेरा लोड जो है वो कांस्टेंट रहता है ऐसा, मतलब टाउ वेल कांस्टेंट रखती हूँ, तो टाउ वेल कांस्टेंट मतलब ये डेवलप टॉर्क भी मेरा किसके बराबर होगा, टाउ वेल, तभी तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा। तो एट ऑपरेटिंग पॉइंट डेवलप टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू लोड टॉर्क, और अभी टॉर्क का एक्सप्रेशन मैंने पर फेस का बताया, E2 अपॉन ओमेगा एस, मतलब पावर अपॉन ओमेगा एस है, और उसको मैं कर रही हूँ पावर क्या होगा, E2 I2 cos थीटा 2, तो E2 अपन ओमेगा एस और I2 cos थीटा 2। अब E2 कांस्टेंट है नहीं बदल सकता, ओमेगा एस कांस्टेंट है नहीं बदल सकता, तो डेवलप टॉर्क को लोड टॉर्क के बराबर होने के लिए हमेशा I2 cos थीटा को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। बेटा लोड टॉर्क कांस्टेंट है तो इस इंडक्शन मोटर में जिसमें मैं ये इंजेक्शन कर रही हूँ, चाहे ऐसा वाला इंजेक्शन करूँ या ऐसा वाला इंजेक्शन करूँ, अगर इस इंडक्शन मोटर का लोड मैंने कांस्टेंट रखा है तो डेवलप टॉर्क को भी स्टेबली ऑपरेटिंग पॉइंट पर डेवलप होते टाइम I2 X2 हमेशा इतना ही डेवलप होता रहेगा। मतलब आप कोई वेरिएशन करो, उस वेरिएशन की वजह से उस डिस्टर्बेंस को वो मैनेज करके वापस कितना डेवलप करेगा, I2 cos theta 2 कांस्टेंट डेवलप करेगा। तो मैं ये I2 cos theta 2 को कैसे मेंशन कर सकती हूँ, वो चीज़ मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। तो इस पर्टिकुलर फिगर वन के लिए मैं फेजर डायग्राम बना रही हूँ, तो मेरे लिए एक E2 EMF है जिसमें अभी S नहीं ले रही हूँ, और E2 के साथ I2 कैसा है,
थीटा टू एंगल पर है, मतलब ई टू ये लैगिंग पावर फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर है, तो आई टू लैग करेगा ई टू को, तो थीटा टू एंगल से लैग कर रहा है। आई टू के ही अलॉन्ग मैं आर टू बनाऊंगी तो ये आई टू आर टू, और आई टू आर टू के 90 डिग्री पर मैं आई टू एस एक्स टू बनाऊंगी तो ये रहा 90 डिग्री पर आई टू एक्स एक्स टू, ये लिख दिया है एस एक्स टू, ये होगा। अब इन दोनों का जो सम होगा वो आई टू जेड टू होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आई टू जेड टू, मतलब ये आई टू आर टू प्लस आई टू इंटू एस एक्स टू का जो टोटल सम होगा फेजर एडिशन से वो मुझे ये वाला मिलेगा, और ये कितना होगा आई टू जेड टू, और आई टू जेड टू का मतलब एस ई टू इतना होगा, एस ई टू इतना होगा, और ई टू के अलॉन्ग ही एस ई टू मिल रहा है या आई टू जेड टू मिल रहा है, और आई टू से थीटा टू 90 डिग्री थीटा टू एंगल पर लैगिंग है। अब मैं मेंशन करूं कि आई टू एक्स टू कहाँ है, तो आई टू का कंपोनेंट जब मैं ई टू पर लूंगी, आई टू का कंपोनेंट ई टू पर ले रही हूँ, मतलब 90 डिग्री पर ड्रॉप कर रही हूँ मैं, तो ये आई टू का कंपोनेंट हो गया ई टू पर, मतलब आई टू कॉस थीटा की लाइन कौन सी हो गई ये, मतलब हर बार मैं जब भी इस इंडक्शन मोटर में ई जे एडिशन में इंजेक्ट करूं या सब्ट्रैक्शन में इंजेक्ट करूं, मतलब इन फेज विथ एस ई टू इंजेक्ट करूं या आउट ऑफ फेज विथ एस ई टू करूं, मुझे आई कॉस थीटा कॉन्स्टेंट ही रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी कंडीशन है यहाँ पर इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के दौरान कि लोड कॉन्स्टेंट रहने वाला है। बेटा इसी चीज़ को बेस लेकर मैं आगे आपको वोल्टेज इंजेक्शन तरह तरह से करके बताऊँगी और फेजर डायग्राम अलग अलग तरीके से बताऊंगी कि कैसे वोल्टेज इंजेक्शन अलग अलग मैग्नीट्यूड का करने से हमें सुपर सिंक्रोनस या सब सिंक्रोनस वेरिएशन मिलता है स्पीड्स का, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। पर उससे रिलेटेड जो बेस है जो रिक्वायर्ड है समझना वो मैं समझा रही हूँ। तो एक चीज़ ये थी कि आई टू कॉस थीटा टू लोड को कांस्टेंट रखने पे आई टू कॉस थीटा टू क्यों कांस्टेंट रह रहा है, और फेजर डायग्राम पे आई टू कॉस थीटा टू कहाँ आएगा वो मैंने बता दिया। अब मैं ये बता रही हूँ कि अगर किसी वजह से लोड बदलता है तो स्पीड में वेरिएशन कैसे आता है, या कुछ भी चेंजेस अगर इंडक्शन मोटर में आते तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ डेवलप टॉर्क या करंट में डिस्टर्बेंस आया, किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस आया तो इंडक्शन मोटर वापस अपने स्टेबल ऑपरेशन ऑपरेटिंग पॉइंट पर कैसे पहुंची वो समझाती। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रही कि माना कि लोड टॉर्क बदल गया, माना कि लोड टॉर्क पहले ए पर काम कर रहा था, अचानक लोड टॉर्क कितने के बराबर हो गया टाउ, ये टाउ एल वन था तो अचानक टाउ एल टू हो गया लोड टॉर्क, लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट बदल गई, अभी कांस्टेंट नहीं है बदल गई, तो लोड टॉर्क की रिक्वायरमेंट TL1 से कितनी होगी TL2, तो उस केस में स्टेबल ऑपरेशन यहाँ मिलेगा, मतलब उस केस में टाउ डी को किसके बराबर होना पड़ेगा TL2 के बराबर होना पड़ेगा। ये मैंने बोर्ड रब करके बेटा पूरा सीक्वेंस बना दिया। तो जैसी लोड की रिक्वायरमेंट TL1 से TL2 हो गई, इस वाली रिक्वायरमेंट की जगह अब टॉर्क की लोड की रिक्वायरमेंट इतनी हो गई TL2 के बराबर, तो क्या होगा वही समझा रही हूँ मैं। हमें ये मालूम है कि इंडक्शन मोटर में एक्सेलरेशन जो होता है वो डेवलप टॉर्क माइनस लोड टॉर्क की वजह से होता है, तो इतने रेंज में तो एक्सेलरेशन मिलता है, जैसे ही वो ऑपरेटिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट आ जाता है। पर उसके बाद अगर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस मतलब ये ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया बेटा, ऑपरेटिंग पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि टाउ डी और लोड टॉर्क TL1 यहां पर सेम है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ए पर ये हो रहा है। अब इसके बाद जैसे ही तुरंत हमने क्या किया, लोड चेंज कर दिया, लोड बढ़ा दिया इंडक्शन मोटर पे, तो टाउ एल वन किस पे चला गया, टाउ एल टू की वैल्यू होगी, मतलब लोड की वैल्यू कितनी होगी टाउ एल टू, लोड की वैल्यू टाउ एल टू हो गई और हमारा डेवलप टॉर्क अभी भी इतना ही डेवलप हो रहा है पर लोड तो इतना हो गया, तो अब दोनों में डिफरेंस आ चुका है, तो टाउ डी माइनस टाउ एल टू, टाउ डी छोटा टाउ एल टू बड़ा है तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन की, मतलब रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन मतलब स्पीड रोटर की कम हो जाएगी, एनआर रिड्यूस होगा, जैसे ही एनआर रिड्यूस होगा मतलब स्लिप क्या होगी बढ़ेगी, एरो ऊपर दिखा रही हूँ मतलब बढ़ेगी,
स्लिप्स जैसे ही बढ़ेगी तो SE2 भी बढ़ेगा बेटा, और SE2 जैसे ही बढ़ेगा तो I2 भी बढ़ेगा, और I2 बढ़ेगा तो डेवलप टॉर्क, टॉर्क भी ज़्यादा डेवलप होगा, ये बताया है मैंने। I2 बढ़ेगा तो डेवलप टॉर्क भी ज़्यादा बढ़ेगा, और डेवलप टॉर्क बढ़ जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब डेवलप टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, टाउ L2 के, और फिर सेकेंड स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट B पर मोटर काम करने लगेगी। ये मैंने बेस समझाया है कि किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस आता है तो इंडक्शन मोटर ऑटोमेटिकली कैसे एडजस्ट कर लेती है अपने उस चेंज को और नए ऑपरेटिंग पॉइंट पे काम करने लगती है बेटा। इस चीज को मैं यूटिलाइज करूंगी कब, जब मैं इंजेक्टेड वोल्टेज अलग अलग मैग्नीट्यूड के इंट्रोड्यूस करूंगी रोटर सर्किट में, तो कैसे इंडक्शन मोटर कांस्टेंट लोड के लिए काम करेगी वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बेटा। ये मैंने रिकॉलेशन किया पुरानी चीज़ का कि कोई भी लोड बदलता है तो इंडक्शन मोटर कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि कांस्टेंट लोड टॉर्क का मीनिंग क्या है। कांस्टेंट लोड टॉर्क का मीनिंग मेरे लिए I2 cos थीटा है, तो मैं कांस्टेंट लोड टॉर्क पर अलग अलग EMF इंजेक्ट करूंगी, चाहे आउट ऑफ फेज इंजेक्ट करूं या इन फेज इंजेक्ट करूं, मैं सब सिंक्रोनस स्पीड वेरिएशन और सुपर सिंक्रोनस स्पीड वेरिएशन समझाऊंगी कैसे अचीव होता है, कब, जब लोड कांस्टेंट है। ये मैंने समझाया लोड वैरी करके कि बदलाव से क्या हो रहा है वो चीज समझाई बेटा। पर जब हम EI इंजेक्ट करेंगे तो तब हमारा लोड जो होगा कांस्टेंट रहेगा, लोड नहीं बदलेगा, हम यहाँ से पावर फीडिंग ही बदल रहे हैं, तो कुछ तो डिस्टरबेंस क्रिएट करें। यहाँ पे मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया लोड का, यहाँ पर मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करूँगी अलग अलग टाइप की पावर इंजेक्शंस का, तो उसकी वजह से कैसे इंडक्शन मोटर रिएक्ट करेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अब मैं फिर से रिवाइज कर दूं बेटा, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि रोटर सर्किट में जो रोटर का रेजिस्टेंस होता है, चाहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में या स्लिप रिंग के थ्रू लगा रही हूँ, तो उसको हटा के हम कोई भी वोल्टेज भी इंजेक्ट कर सकते हैं। वो वोल्टेज इंजेक्शन दो टाइप से हो सकता है, या तो SE2 के अपोजिट फेज में उसको इंजेक्ट करें, या SE2 के साथ हम सेम फेज में इंजेक्ट करें। SE2 के साथ अपोजिट फेज में इंजेक्ट करना मतलब सब सिंक्रोनस स्पीड वेरिएशन स्पीड रेगुलेशन अचीव करना, और इन फेज इंजेक्ट करना मतलब सुपर सिंक्रोनस स्पीड वेरिएशन अचीव करना। ठीक है, यहाँ तक तो एक डिस्कशन हो गया था। उसके बाद मैंने कहा था कि ये मैं इंजेक्ट करूँगी एट कांस्टेंट लोड, तो मैंने कांस्टेंट लोड का मीनिंग समझाया कि मुझे I2 cos थीटा को सदा कांस्टेंट रखना है। फिर यहाँ मैंने पुरानी बात की, ये भी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, पुरानी बात की कि अगर लोड के बदलाव का वेरिएशन होता है, लोड बदल जाता है, अगर लोड बदल जाता है तो इंडक्शन मोटर कैसे रिएक्ट करी वो समझाया। तो उम्मीद है बेटा थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का है, पर प्लीज़ आप इस वीडियो को बार बार देख के समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से आपको इसका कंक्लूजन मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ फेजर डायग्राम पर समझाऊंगी, चाहे मैं EI को आउट ऑफ फेज इंजेक्ट करूँ या EI को मैं SE2 के साथ सेम फेज में इंजेक्ट करूं, मुझे फेजर डायग्राम्स अलग अलग तरह के बनाने हैं और आपको समझाना है कि कैसे सब सिंक्रोनस स्पीड और सुपर सिंक्रोनस स्पीड्स मिल रही है बाय कीपिंग I2 cos थीटा 2 कांस्टेंट और बाय कीपिंग tau L कांस्टेंट। ये मेरा मोटो है, तब जाके वोल्टेज इंजेक्शन मेथड पूरी तरह से समझा चुकी हूँगी मैं बेटा, और वो थोरो होगा। मैं ये चीज़ और बता दूं कि BTech वाले बच्चे शॉर्ट नोट जैसा इसको तैयार करें, पिछला वीडियो जो मैंने वोल्टेज इंजेक्शन का बताया था वो आप उतना भी शॉर्ट नोट में बताएंगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा बहुत ये वाले सर्किट्स बना के ये भी बता देंगे तो इनफ। ड्राइव्स जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए काम की चीज़ है, MTech जो कर रहे हैं उनके लिए काम की चीज़ है, और अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए काम की चीज़ है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। दो क्वेश्चंस अभी भी एक्सप्लेन करने बाकी हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, मेरे कुछ पर्सनल काम आ रहे थे, नॉट द पर्सनल, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड ही दूसरे काम आ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा मेरा वीडियो का पोस्टिंग और वीडियो की
रिकॉर्डिंग थोड़ा सा डिले हो गई बेटा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूटी में मैं इंडक्शन मोटर को ख़त्म करूँ और इसके साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर करती जाऊँ। पढ़ाना मैं छोड़ूंगी नहीं बेटा, मैं पढ़ाती रहूँगी, चाहे जैसे भी मैं कोर्स कंप्लीट करूँ पर मैं करूँगी। मुझे पढ़ाने का बेहद शौक़ है और मैं जो मुझे आता है वो सब मैं डिलीवर करूँगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।